पुराना मंत्रालय परिसर रायपुर में स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में शनिवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने प्रेस वार्ता लेकर मतगणना की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 90 सीटों के लिए मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। पारदर्शिता हेतु 90 ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। 90 में से 6 सीटों पर 21 काउंटिंग टेबल और बाकी सीटों पर 14 काउंटिंग टेबल होंगे। वहीं मतगणना हॉल में मोबाइल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सुबह 7 बजे स्ट्रांग रूम खोले जाएंगे। 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गणना होगी। वहीं 8:30 बजे से ईवीएम मतों की गणना शुरू की जाएगी। सभी को नमस्कार। छत्तीसगढ़ राज्य के 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना के निर्धारित कार्यक्रम अनुसार कल रविवार को सुबह 8 बजे से, कल 3 दिसंबर रविवार को सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। राज्य के जो 90 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें मतगणना हेतु 90 मतगणना हॉल सभी जिला स्तरीय मुख्यालयों में निर्धारित किए गए हैं। 90 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना हेतु 416 सहायक रिटर्निंग अधिकारी, 4596 गणना कर्मी और 1698 माइक्रो ऑब्जर्वर्स तथा 90 रिटर्निंग अधिकारियों के निरीक्षण में ये पूरी मतगणना की प्रक्रिया संपादित होगी। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग ने मतगणना में पूर्ण पारदर्शिता रहे इस हेतु 90 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स भी नियुक्त किए हैं। प्रत्येक हॉल में मतगणना विधानसभावार पृथक पृथक रहेगी और हर विधानसभा के लिए 14 टेबल निर्धारित रहेंगे। राज्य में ऐसी 6 विधानसभाएं हैं जहां पर 14 की जगह जो है 21 टेबल पर गणना कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है। इन 6 विधानसभाओं में कवर्धा, पंडरिया, सारंगढ़, बिलाईगढ़, कसडोल और भरतपुर सोनत सम्मिलित है। प्रत्येक मतगणना हॉल में अभ्यर्थियों और गणना एजेंटों तथा रिटर्निंग ऑफिसर और सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए पृथक पृथक प्रवेश द्वार रहेंगे। जगह की उपलब्धता को देखते हुए और हॉल की साइज़ को देखते हुए 3 प्रवेश द्वार रहेंगे और कहीं कहीं पर 2 प्रवेश द्वार अनिवार्य रूप से रहेंगे और सभी अभ्यर्थी और गणना एजेंट एवं उनके निर्वाचक एजेंटों को हमने फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किया है। सभी से अनुरोध है कि ये परिचय पत्र लेकर ही प्रातः 7 बजे तक मतगणना परिसर में प्रवेश कर ले ताकि किसी को भी असुविधा ना हो। मतगणना परिसर में मीडिया सेंटर और कम्युनिकेशन सेंटर में ही केवल मोबाइल फ़ोन ले जाने की अनुमति रहेगी। मतगणना हॉल में मोबाइल फ़ोन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मतगणना केंद्रों में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है और जहां प्रत्येक स्तर पर पहचान पत्र दिखाने के उपरांत ही उस घेरे में प्रवेश संभव होगा। मतगणना केंद्रों के पहले और सबसे बाहरी प्रवेश द्वार पर जिला पुलिस बल की तैनाती की गई है जहां से 100 मीटर का जो है पैदल यात्री क्षेत्र रहेगा। मतगणना परिसर में प्रवेश के लिए 1 प्रवेश द्वार की विधिवत बैरिकेडिंग की जाएगी और किसी भी वाहन को उसके बाद जो है पैदल यात्री क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी। जो तृतीय घेरा है और सबसे अंदरूनी घेरा है उसमें केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती रहेगी और इस स्तर पर भी सभी की तलाशी ली जाएगी ताकि कोई भी अनाधिकृत वस्तु या मोबाइल फ़ोन अंदर न जा सके। केंद्रीय सुरक्षा बल लोग के ही सुरक्षा घेरे के अंदर मतगणना हॉल स्थापित किए गए हैं।
प्रत्येक मतगणना केंद्र पर मीडिया केंद्र भी स्थापित किया जा गया है और यहाँ पर एक वरिष्ठ अधिकारी की भी नियुक्ति आयोग के द्वारा की गई है, जो कि समय समय पर मतगणना हॉल में अवलोकन के लिए टुकड़ियों में छोटी छोटी संख्या में मीडिया समूहों को अंदर ले जाएंगे। मीडिया केंद्र में स्थापित लैंडलाइन फ़ोन की भी उपयोग की अनुमति रहेगी और वह स्थान जहाँ पर मतगणना हॉल में मीडिया को प्रवेश की अनुमति होगी उसे रिटर्निंग अफसर के द्वारा किसी चौक मार्क से या किसी चिन्ह से चिन्हांकित किया जाएगा। आप सबसे आग्रह रहेगा कि उस मार्क के आगे मतगणना हॉल में कवरेज पर अनुमति नहीं रहेगी और इसमें आप पूर्ण सहयोग अवश्य दें। मतगणना हॉल में केवल निम्नलिखित व्यक्तियों को अंदर जाने की अनुमति है, जैसे कि मैंने बताया, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक, माइक्रो ऑब्जर्वर और प्राधिकार पत्र जिनके पास है निर्वाचन आयोग द्वारा जारी, ऑब्जर्वर्स और निर्वाचन अभिकर्ता, अभ्यर्थी और गणना अभिकर्ता। आयोग के नवीनतम अनुदेशों के अनुसार जो हमने गणना अभिकर्ता नियुक्त किए हैं उनकी राज्य में सभी जगह पर गणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति हो चुकी है। जो नवीनतम निर्देश है उसमें मुख्य रूप से ये था कि जो राज्य के मंत्री है, राज्य मंत्री है, उपमंत्री है, नगर निगम के मेयर है, नगर पंचायत, नगर पालिका के अध्यक्ष, जिला अथवा जनपद पंचायत के अध्यक्ष और अन्य सुरक्षा प्राप्त कर्मियों को गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति किए जाने की अनुमति नहीं थी और मतगणना हॉल में किसी भी सुरक्षा प्राप्त ऐसे व्यक्ति को भी प्रवेश वर्जित रहेगा। आयोग के निर्देश के अनुसार मतगणना केंद्रों पर अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ताओं के लिए जो बैठक व्यवस्था का क्रम है वो भी निर्धारित किया गया है। इसमें सर्वप्रथम रो में जो है वो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता और उसके बाद राज्य दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता और अन्य राज्यों में मान्यता प्राप्त राज्य दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता, जिसके उपरांत फिर पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता और लास्ट में जो है निर्दलीय अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता बैठ सकेंगे। किसी भी गणना अभिकर्ता को हॉल में अपने मेज से अन्य मेज पर जाने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना और सारणीकरण की समस्त प्रक्रिया की जो है सीसीटीवी कवरेज 360 डिग्री रहेगा और इसकी जो है पृथक पृथक जो हमारा वीवीपैट काउंटिंग बूथ है वहाँ पर भी पृथक से सीसीटीवी कवरेज फुल टाइम रहेगा। सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगा। मतगणना हॉल में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित रहेगा, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित रहेगा और प्रत्येक गणना अभिकर्ता मतगणना के दिन अभ्यर्थी को के मतदान अभिकर्ता के रूप में जो है वो उनको प्रारूप 17C के भाग 1 को अंदर ले जाने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा भी हमने एक सूची जारी की है जो कि गणना अभिकर्ता अंदर ले जा सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से कोरा कागज़, मतपत्र लेखा, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदाए गए EVM VVPAT की सूची, प्लास्टिक पेन और पेंसिल शामिल है जो पूर्ण प्रतिबंधित रहेगी। पूर्णतः वो मोबाइल फ़ोन, आईपैड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बीड़ी, सिगरेट अथवा गुटखा। सभी की पहचान और जांच के उपरांत ही जो है वो प्रवेश की अनुमति रहेगी, जिसके लिए एक वरिष्ठ मैजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी लगाई गई है। और द्वितीय घेरे में जो है वो राज्य सशस्त्र बल की तैनाती की गई है और इस द्वितीय घेरे के अंदर ही जो मीडिया सेंटर है और कम्युनिकेशन सेंटर है उसकी स्थापना की गई है। प्रवेश के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति के पहचान पत्र के आधार पर जांच एवं तलाशी भी की जाएगी ताकि कोई भी ऐसी वस्तु जो अधिकृत नहीं है वो न ले जाए और